एक सेकेंड, हो गया। अबे क्या हो गया? एक सेकेंड। अबे साले, मेरा कहने का मतलब है पैसे तो है नहीं अपने पास, दारू कैसे पियेंगे? अरे वो तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास है। कहाँ? आइडिया। ओह नो, मेरे पास एक आइडिया है। तो बता फिर। फॉलो मी। बात बोलो ना। ये कौन सा आइडिया है? लगता है न्यू वर्जन है। न्यू वर्जन है। तो भाई कौन जीत रहा है इस बार? तो पक्का चेन्नई जीतेगा। अबे मुंबई जीतेगा। अरे यार चेन्नई जीतेगा। अबे मुंबई जीतेगा। चेन्नई जीतेगा। मुंबई जीतेगा। चेन्नई जीतेगा। मुंबई चेन्नई। 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 मुंबई। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। कैसा फैसला? सीधे लगाते हैं बेट हाथों और देखते हैं कौन जीतता है। चल ठीक है, हो जाए 10,000 का। हाँ हो जाए 10,000 का। तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्यों लगा रहा है बेट? हट। यस, जीत गया चेन्नई। अबे बोला था ना मत लगा बेट, हार गया ना। अरे ओए, इस बार कोई बहाना ना चलेगा। चल निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल, साला इससे क्या देख रहा है बे? चल निकाल पैसे। आत्मा जो है ना अचानक से आके इसमें घुस गई। पर इतना दूर क्यों आके घुसी यार? कोई भी नहीं था क्या उतनी दूर पे? वीडियो का नाम ही था रियल घोस्ट, मतलब सचमुच का यार। आगे क्या होता है? जहाँ तो उसी रास्ते पे रहा है जहाँ से कैमरा का दिखा रहा था पीछे के मोड़। अरे यार क्या मेरा सिर भी घुमाना पड़ेगा क्या इस वीडियो में? कहाँ गए? Oh no! अब दोस्त लोगों को तो मतलब पता है। पता नहीं तुम यहाँ कैसे आए? ना। मेरे हिसाब से ये जंगल है। वो तो हमारे हिसाब से भी है। अरे यार वो सबके हिसाब से जंगल है, वो है। यहाँ ठीक लग रहा है? हाँ क्यों मार कर दिया? तुम्हारा फिर क्या? डेड बॉडी जो है ना किसी की दफनाई हुई। बाप रे कैसे खड़ा हो गया, अब कहीं चलने ना लगे डेड बॉडी जंगल में। यार मुझे तो ये सबसे बहुत डर बढ़ता है भूत वाला चीज से। ये सब वीडियो तो मैं रात को सोते टाइम देखती हूँ भूत वाला। आज मतलब ऐसा वीडियो पे रिएक्ट करना पड़ेगा हमको। पार होना पक्का बनता है यार, क्योंकि भूत में तो अक्सर होता है।
पीछे से तुम्हारा हमेशा जाएगा। सर सर वहाँ पे सर है। सर कौन से वाले, मैथ वाले या साइंस वाले? अबे साले सर नहीं, कटा हुआ मुंडी है वहाँ पर। मुंडी बोले ना, क्या बात कर रहे हो? अभी तो बताया, फिर पूछ रहे हो? कटा हुआ मुंडी, कटा हुआ गर्दन है वहाँ पर। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हो? अबे साले कितनी बार बताऊं, कटा हुआ मुंडी वहाँ पर, कटा हुआ मुंडी मुंडी मुंडी। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या बात कर रहे हो? पागल हो क्या साले? ओवर एक्टिंग मत कर, सच में कटा हुआ मुंडी है वहाँ पर, विश्वास तो नहीं होता? चलो दिखाता हूँ। हिम्मत है ना भाई, इसमें इतना चाहिए। वहाँ देखा था यार, वहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा है यार। जहाँ भी निकल जाएगा। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो यार? दोनों हेडफोन लगाते हैं, ये भी लग रहा है बहुत ज्यादा। वाला बहुत मस्त लगता है। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गया? सच में यही देखे थे यार। अबे तेरा वहम होगा, चल। मैंने बताया था यहीं पे। अरे मुझे तो लगता है ना, वो जो नहीं रेलवे में स्टार्ट है, जो रेल पटरी पे जाके एक लड़के को सुता दिया था मार के, उस पे आई और ट्रेन चला दी, मुझे लग रहा है वही लड़का है। तो उसका बॉडी यहाँ पे कौन दफना दिया, वो मर गया तो बात है। जोर से पटकेगा तो शरीर ही टूट जाएगा यार, इतना पतला हो गया। यार ये लोग क्या बिगाड़ा है बेचारे का। तुम सबका उल्टा गिनती शुरू। क्यों यार ये तीनों क्या किया है, उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। पानी तो सही है ना, पानी भी गायब हो गया। पिए तो पिए क्या, अभी भागते भागते गला सूख गया है। ओ भाई, सो कैसे सकता है इतना जल्दी।
गाड़ी कैसे आ गया? सो गया था ना पेड़ पे, यहाँ पे अचानक से आ गया। फिर से कैमरा ऊपर नीचे घूम रहा है यार, सिर चकरा रहा है। सपना था। हेलो भाई, मुझे तुमसे अभी तुरंत मिलना है। हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, मिलके बताता हूँ। मुझे लगा सपना है। भाई क्या हुआ? रात को मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, उस सपने में हम तीनों एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ एक बुरा आत्मा हम तीनों को मारने की कोशिश कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? वही सेम सपना, बिल्कुल सेम सपना मैंने भी देखा। तुमने भी देखा? हाँ। तुमने भी एक सपना देखा? हाँ। उस सपने में हम तीनों एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल में चले गए। हाँ हाँ हाँ। और एक बुरी आत्मा हम लोगों को मारने की कोशिश कर रही थी। हाँ भाई हाँ। लेकिन तुम दोनों को कैसे पता? सेम सपना हम दोनों ने भी देखा। इसका मतलब समझे सूरज? क्या भाई? हम तीनों ने एक ही सपना देखा। यार पागल हो, समझेगा नहीं तो। अब क्या करें भाई? मैं एक बाबा को जानता हूँ जो बड़े बड़े भूत प्रेत से छुटकारा दिला सकता है। क्या बात कर रहा है? अभी तो बताया, फिर पूछ रहे हो? बड़े बड़े भूत प्रेत से छुटकारा दिला सकता है। तो चलो ना भाई बाबा के पास। चलो ये तो वही जगह है जो मैंने सपने में देखा था। हाँ बिल्कुल वही जगह। अबे हाँ वही जगह है। ये वही नहीं है, वही डिफरेंट है, वही है। इसका तो टोपी ही बार बार ले लेता है। तूने मुझे एक छोटी सी गलती के लिए जान से मार दिया था। कहीं यही तीनों तो नहीं था ना? भाई तेरे पास एक्स्ट्रा पेन है क्या? एक्स्ट्रा पेन? हाँ, वो भी मेरे पास। ये लो। थैंक यू। पर तुम लिखो कैसे? मैं तो ऐसे ही काम चला लूंगा, टैलेंटेड हूँ। पर हो जाए तो दे देना। ओके। ये लो भाई, हो गया। क्या हुआ? जिसने भी तेरा ये हाल किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या यार लिखो फेंको का, वो तो ढक्कन ऐसे हो ही जाता है तेरा। बड़ा बात क्या है इसमें, कई बार हम लोग से हो गया है। तुम्हारे ये मिट्टी की कसम, जिसने भी ये तेरे साथ किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं।
इतना बड़ा भी नहीं कर अबे दिया पागल हो गया क्या साला पागल हो ही गया वही लड़का है ना जो पेन मांगा था और पेन का खराब हालत कर दिया तेरी ही तो चाकू लेके जा रहा है यार पागल हो गए क्या भाई तेरा पेन ने तो ढक्कन तेरा किया है तू जिंदगी खेल लेगा क्या उसका ले लेगा साले मार दिया इसको अबे ये तो सच में मर गया हाँ। भाग हाँ। अरे रुक 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 ये पकड़ ये मैंने कहा मारा ये तो तूने मारा हाँ। अबे अभी तो तूने मारा अबे बस क्यों हुआ तो हुआ इलाज में हाथ हटा नहीं तो कोई देख लेगा अबे मैं क्या कहता हूँ पटरी पर फेंक देते हाँ हाँ चलो चलो अच्छा स्टार्टिंग में ये लोग ही पटरी पे फेंक रहा था लास्ट को साले तेरे वजह से ऐसा हो रहा है आज हम लोग को ये जिंदा नहीं छोड़ेगा अबे ये सब छोड़ जल्दी यहाँ से भाग आज हम लोग इसके कारण बच गए चलो बाबा के पास चलते हाँ चलो चलो ईशा मासी कुछ क्रिसमस मतलब कि क्रिश्चियन में जो होता है ना लॉकेट होता है गले में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है उसे गॉड का मतलब अबे कहाँ मिलेंगे ये बाबा गॉड का भगवान का बाबा तो यहीं बैठे रहते थे पता नहीं कहाँ है बाबा बाबा जी बाबा अरे वो भोंसड़ी वाले बाबा अलाक निरंजन अलाक निरंजन अरे बाबा ऊपर क्या कर रहे हो नीचे उतरो आता हूँ बेटा एक मिनट रुको बाबा कमर को बचा लो बाबा बाबा का बहुत बड़ा है दिल और बाबा के कान में घुसा हुआ इतना बड़ा किल बाबा हम तीनों को बचा लो बाबा हम तीनों के पीछे एक बुरी आत्मा का साया पड़ा है सबसे पहले निकालो बाबा के कान से एक किल उसके बाद बाबा से आके मिल कावत बहुत अच्छा बोलता है निकालो और आके मिलो अब बाबा हम तीनों को बचा लो बाबा हम लोगों के पीछे एक बुरी आत्मा का साया पड़ा है बताइए बाबा इसके लिए क्या करना होगा लाख निरंजन बाबा है मोह माया से बिल्कुल दूर और बाबा को चाहिए पनीर टिक्का और चिकन लेग पीस भरपूर बाबा आप चिकन खाते हो ओ सॉरी 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 बाबा है मोह माया से बिल्कुल दूर और बाबा को चाहिए 1,500 के नोट भरपूर बाबा लेकिन 1,000 के नोट तो बंद हो गया 500 का दो ले आना बेटा बाबा मुझे एक डाउट है आपको कुछ आता है ये नहीं इसीलिए कन्फर्म होने के लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना है भगवान ने मुंह दिया था पूछ ले बेटा तो बताइए बाबा अगर आपके पीछे पुलिस पड़ जाए और आपके सर पे बम रख दिया जाए तो बताइए सबसे पहले क्या फटेगा बम फटेगा या आपका सर फटेगा बम और सर का तो पता नहीं लेकिन सबसे पहले बाबा का गांड फटेगा अरे बाबा बाबा आप मेरे स्वामी हो आप अंतर्यामी हो आप बहुत बड़े हरामी हो
नो 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 बाबा, आप तो पुरुष नहीं हो। क्या बात कर रहे हो? आप महापुरुष हो। बाबा हम तीनों के पीछे एक बुरी आत्मा का साया है बाबा, हम तीनों को बचा लो बाबा। अंतर मंतर तंत्र काली खाना चाहिए एक थाली। छो आजा 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 आजा। चले जाओ चले जाओ। बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप? इसका कोई उपाय नहीं, चले जाओ यहाँ से। बाबा इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। ये आत्मा बहुत ताकतवर है, मैं इसमें से बस नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। लजब बाबा था यार, पहले तो मार खा लिया, बोल रहा है आजा आजा, मार खा पी के बोल रहा है चल जा चल जा। यार गजब सा शकल में मेकअप वेकअप करके रखा है यार, एकदम से लग रहा है ना सच में गोस्ट लग रहा है ये। अच्छा गला में जो पहना है वो बचा लिया, पर यार गलत तो किया है। आज तो तुम लोग बच गया, लेकिन एक बात याद रखना, 5 तारीख ठीक 12 बजे तुम तीनों का मौत हो जाएगा। अबे झूठ मुंह में डर रहे तुम लोग, जब तक ये हम लोगों के साथ है हम तीनों को कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे कुछ नहीं होगा, चल यहाँ से चल। आज डेट क्या? 5 तारीख। अरे आज हम लोग मरने वाले हैं। वो कैसे बे? उस भूत ने बोला था 5 तारीख को 12 बजे हम लोग मर जाएंगे, और अभी 11:55 हो रहा है। अबे कुछ नहीं होगा, बिना मतलब मैं डर रहा है तुम लोग यार, चलो यहाँ से। जिंदा है। टाइम कितना हुआ? 12:10। देखा बच गए ना, बिना मतलब मैं डर रहा था तुम लोग यार, ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, चल यहाँ से। बच तो गया। इन लोग इतना भाग क्यों रहे जा रहे लोग, और वहां पे इतना भीड़ क्यों है? चल चल देखते हैं। अरे तेरी ये तीनों मर चुका है और ये आत्मा है। आखिरकार यार तो गाइस बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, तो आपको वीडियो कैसी लगी यार? द रियल गोस्ट, सच में यार भूत होती है या नहीं होती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज ये भी बताइए यार, पूरी स्टोरी
बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, बट एक छोटे से पेन के ढक्कन टेढ़ा हो जाने पे कोई किसी का मर्डर कर सकता है इतने बुरे तरीके से। पर इतना जान लीजिए, अगर कोई भी इंसान बुरा अंजाम करता है तो उसका अंजाम बुरा ही होता है, बस इतना जान लेना चाहिए इंसान को। और रहा बात, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फनी था और अच्छा भी लगा, और रियल गोस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की ओर, टाटा।